हाय गाइस, आई एम प्रांची माकिजानी एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा, मैंने आपको दिखाया कि हेयर ट्रिम क्यों करते हैं और मैंने अपनी हेयर ट्रिम करके भी दिखाया आपको। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो लास्ट वाला वीडियो देखिए। और इस बार मैं अपने डॉटर की हेयर कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मम्मा हेयर कटिंग करे और डॉटर नहीं करे ऐसे तो चल ही नहीं सकता है। तो आज मैं रुचिका की हेयर कटिंग करूंगी। रुचिका, आप हेयर कट कराओगे? हाँ मम्मा, मुझे बहुत पसंद है करना। ओके गाइस, तो हाँ, इसको हेयर कटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, आई मीन हेयर कटिंग करवाना। तो ये मुझे लास्ट 2 वीक से बोल रही है, मम्मा मेरी हेयर कटिंग करो, हेयर कटिंग करो। ग्रो करूं, शॉर्ट करूं, क्या करूं, वही मैं सोच रही थी अब तक। तो आज फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैं रुचिका को आज पॉप कट करूंगी, शॉर्ट कर दूंगी, शोल्डर लेंथ करूंगी। अभी इसकी लेंथ जो है शोल्डर से है काफी 3-4 इंच तक नीचे है, तो इसकी मैं आज कर दूंगी बॉब कट कटिंग। उससे क्या होगा, बच्चों के हेयर बहुत ज्यादा टैंगल्स आते रहते हैं, तो अभी मैं इसके शॉर्ट ही कर दूंगी, क्योंकि स्कूल्स भी फिलहाल बंद है और हेयर्स एक बार शॉर्ट हो जाएंगे तो अच्छे से बढ़ते हैं बच्चों के हेयर्स। शॉर्ट अगर आप जितने बच्चों के हेयर्स रखोगे, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है गाइस। ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर आपको बच्चे के हेयर्स बड़े करने हैं तो एकदम आप उसके शुरू से ही बड़े करो, ऐसे मत करो। एटलीस्ट जब तक बच्चा अपने हेयर संभाल नहीं सकता है, 8 इयर्स 9 इयर्स हो सकता है, 7 इयर्स हो सकता है, 10 इयर्स हो सकता है, बच्चे बच्चे के ऊपर होता है। तो जब तक बच्चा खुद के हेयर संभाल नहीं सकता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसके हेयर्स शॉर्ट ही करो। एटलीस्ट मैं तो अपने डॉटर के कर रही हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो आप भी कर सकते हो। और ये हेयर कटिंग से आप सीख के घर बैठे इजीली कर सकते हो। तो आज मैं रुचिका की कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। चलो ऋषि, स्टार्ट करें। हाँ। तो बोलो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो आई जस्ट रियलाइज व्हाइल शूटिंग दिस वीडियो कि मेरे पास यहाँ पे स्प्रे करने के लिए स्प्रे बॉटल नहीं है, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया है, आपको दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया है, मेरे पास कॉलिन की बॉटल पड़ी थी खाली स्प्रे की, तो मैंने उसको वॉश करके अच्छे से उसमें पानी भर दिया है।
सकते हो आप इस तरह से रुशु की मैंने हेयर कट की है। ऊपर देखो रुशा, अब मैं इसको फटाफट सेट कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। सो गाइस, ये है बॉब कट और आपको कैसी लगी ये हेयर कटिंग प्लीज कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी क्लिक कर दें और शेयर और लाइक भी कर दीजिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।